और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 1.5 मीटर कपड़े में एक फुल घेर सलवार बनाना बताएंगे, जो बहुत ही आसान तरीका है। तो आपने ठीक सुना कि 1.5 मीटर कपड़े में सलवार बनाने का बहुत ही आसान तरीका इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो सलवार होती है वो सलवार बनाऊंगी मैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे इसी तरीके की बनानी है। आप बेल्ट की भी बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर सिंपल वाली सलवार बनाना बता रही हूँ। तो सबसे पहले कपड़ा मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ कि ये 1.5 मीटर है भी या नहीं। तो इस तरह मैंने इंची टेप ले लिया है और इंची टेप से मैं आपको नाप कर दिखा रही हूँ इस तरह से। तो ये दिख नहीं पा रहा है, मैं इधर को कर लेती हूँ। इधर देखिए, ये देखिए, यहाँ पूरा 1 मीटर हो जाता है। उसके बाद देखिए, 1 मीटर नापने के बाद ये इतना सा कपड़ा बचता है। तो ये 1.5 मीटर से भी कम है लगभग। तो इस तरह से ये कपड़ा ले लिया है, लेकिन इसमें अर्ज बहुत ज़्यादा है। इस तरह से अच्छे से इसको फैला लेना है कपड़े को। तो ये लंबाई में है ये कपड़ा भी, तो इस तरह से अच्छे से मैं फैला कर इसको रख लूँगी। बहुत ही ईजी तरीका है सलवार कट करने का, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो ऐसे बोलेंगे हम कि 1.5 मीटर से कम कपड़े में भी हम सलवार बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये फोल्ड कर लिया है कपड़े को, डबल लेयर में फोल्ड किया है। इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर लेना है, पूरे कपड़े को ऐसे लंबाई में फोल्ड करके रख लेना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने कपड़े को फोल्ड करके रख लिया है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना कपड़ा है। ये देखिए, पूरा अच्छे से मैं कैमरा दिखाती हूँ इधर। तो देखिए, इतना कपड़ा है ये। तो इतने ही कपड़े में मैं सलवार कट करूँगी। तो सबसे पहले हमें इंच टेप ले लेना है। तो मैं यहाँ विदाउट बेल्ट के कट कर रही हूँ, सिंपल सलवार कट कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो 2-2 इंच के लिए हम लास्टिक वगैरह के लिए यहाँ पर छोड़ देंगे। तो मैं ये 2 इंच का निशान लगा रही हूँ नेफा वगैरह फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह से ये अच्छे से निशान लगा ले। बहुत ही इजी तरीका है सलवार, आपको अगर कट करना नहीं आती है तो भी आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो। इस तरह से निशान लगा लिया, उसके बाद आपको लेंथ नाप लेनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको लेंथ नाप लेनी है कि लेंथ कितनी है। तो मैं यहाँ पर 38 इंच ले रही हूँ, 38 इंच का निशान लगा लिया है। 38 इंच में 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे हम। तो इस तरह से निशान लगा लिया है, उसके बाद पूरे कपड़े की लेंथ नाप लेनी है कितनी है। तो जितना निशान लगा है उतना नाप लें। तो यहाँ से 41 इंच का होता है ये, 41 इंच इधर है, तो 41 इंच इधर नाप लेते हैं। ऐसा करने से बिल्कुल इंची टेप सीधा रखकर हम कपड़ा कट कर सकते हैं, हमारा कपड़ा बिल्कुल एकदम सीधा कट हो जाएगा। तो 41 इंच का इधर निशान लग गया, 41 का उधर निशान लग गया। तो उस तरह से कपड़ा बिल्कुल एकदम तिरछा नहीं होता है, एकदम सीधा कट जाता है। तो इस तरह से इंची टेप बिल्कुल सीधा रखकर निशानों से निशान मिलाकर इस तरह से निशान लगा लें अच्छे से, और इसको कट कर देना है। तो कपड़ा सीधा कट करने का बहुत ही आसान तरीका है, दोनों तरफ से सेम मेज़रमेंट करें और इस तरह से ये काट दें। तो उसके बाद अब इसको कट कर देना है। जितनी भी लेंथ थी हमारी उतनी नाप कर, और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसको हमें कट कर देना है। तो यहाँ पर जो सीखने वाली लड़कियाँ हैं तो वो सिल रही हैं, तो वो काट रही है और मैं उसको बताती जा रही हूँ कि किस तरह से आपको मेज़रमेंट करना है। तो उस तरह से वो काट रही है और मैं ये बता रही हूँ। तो बहुत ही धीरे धीरे कैंची चला रही है वो यहाँ पर। सीखने वाली लड़कियाँ आती हैं तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ यहाँ पर। उसके बाद ये कपड़ा जो बचता है देखिए किस तरह से रखना है। तो यहाँ पर मैं कपड़े को इस तरह से रखना बता रही हूँ। देखिए, अब यहाँ पर इस तरह से रख लेंगे इस कपड़े को। थोड़ा कपड़े के ऊपर ही रखें क्योंकि सिलाई में जाएगा जो।
तो उतना कपड़ा दबाते हुए रखें और उसके बाद ये निशान सीधा कर लेना है। इस तरह से 2 इंच का जो निशान लगाया था तो इस तरह से ये निशान लगा लें। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे, तो यहाँ 13 इंच का निशान लगाना है तो 13 इंच का निशान लगा दिया है इस तरह से। उसके बाद देखिए मोरी पर आ जाइए तो यहाँ पर निशान लगाना है, तो यहाँ पर 9 इंच का निशान लगा लें, लेकिन किस तरह से लगाना है वो आपको बता दूँ मैं। तो अब मैं दोबारा आ गई हूँ, देखिए यहाँ पर बता रही हूँ मैं, यहाँ पर समझा रही हूँ अच्छे से। तो 6 इंच का पहले निशान लगा देना है, 6 इंच में ये पौचा हो गया और उसके बाद 2.5 इंच की ये कली आ जाएगी, तो कली इसमें से ही निकलने वाली है अभी, तो पूरा 9 इंच का हो जाता है 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर। उसके बाद ये आसन और ये पौचे इस तरह से मिला देते हैं, तो देखिए सलवार बनकर हमारा तैयार है इस तरह से। मैं अच्छे से यहाँ पर बताती भी जा रही हूँ कि इस तरह से कट करना है, इस तरह से निशान लगाना है। तो इस तरह से निशान लग गया है, उसके अब ये कट कर देना है। तो बहुत ही आसान तरीका है सलवार कट करने का, इसमें आप बेल्ट भी लगा सकते हो। उसके बाद ये अच्छे से कट कर देना है। ये बहुत ही धीरे धीरे कैची यहाँ पर चला रही है, क्योंकि नई है सीखने वाली, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कैची चलाने में, थोड़ी सी दिक्कत आती है। और ये कट चुकी है सलवार, देखिए अच्छे से सलवार कट हो गई है। और बाकी का बचा हुआ कपड़ा है तो आप अगर म्यानी लगाना चाहें तो म्यानी भी लग सकती है, इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए ये बचा हुआ कपड़ा जो आया है तो इससे हम म्यानी कट कर लेंगे। तो इसको साइड से रखते हुए यहाँ पर सबसे पहले ये कट कर लेते हैं। कर दिखाती हूँ किस तरह से ये सिल जाएगी। इस तरह से देखिए पूरी सलवार आ जाएगी, तो इसे कोई भी सिल सकता है बहुत ही आसान तरीके से। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसके साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।